दोस्तों, हम गांव में कोई ना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, गांव में रहकर ही पैसे कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी दुकानों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप गांव में करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिज़नेस ऐसे बिज़नेस हैं जो कि हर कोई आजकल कर रहा है, तो ऐसे में इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो सोच समझ कर शुरू कीजिए। लेकिन दोस्तों, इसकी मांग हमेशा बनी रहेगी, लेकिन कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं। नंबर एक, CSC सेंटर। दोस्तों, आजकल CSC सेंटर ओपन करके भी लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना, फोटोकॉपी वगैरह, और कोई फॉर्म फिल करनी है, कोई टेक्निकल काम है, किसी को पैन कार्ड बनवाना है, तो किसी को कुछ और काम है, तो ये सब सारे काम जो है CSC सेंटर में होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप CSC सेंटर खोलकर भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर CSC सेंटर का मतलब ग्राहक सेवा केंद्र से है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, CSC की ID लेना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लोगों को ID लेने में समस्या आती है। दोस्तों, अगर आप CSC सेंटर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, इसके बारे में भी मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। नंबर दो, कपड़े की दुकान। दोस्तों, कपड़े की दुकान शुरू करके भी आप गांव में काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फील्ड में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, यानी कि कपड़े की दुकान, कपड़े का बिज़नेस आजकल ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है तब आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि कम पूंजी में शुरू करना थोड़ा सा आजकल मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में कपड़ा का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कपड़े की दुकान शुरू करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं और इससे भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और प्लान भी अच्छा होना चाहिए, और लोकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो इसमें नुकसान होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाता है। नंबर तीन, जूते चप्पल की दुकान। दोस्तों, गांव में जूते चप्पल की दुकान भी चलती है, क्योंकि दोस्तों, जूता चप्पल ऐसा चीज़ है जो कि हर कोई उपयोग करता है। गांव के लोग उपयोग करते हैं और शहर के लोग, हर जगह के लोग इसे उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके बिना काम नहीं बनने वाला है। तो ऐसे में जूते चप्पल की एक छोटी सी दुकान भी शुरू करें तो आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जूते चप्पल की दुकान शुरू करके भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आप एक छोटी सी दुकान ले सकते हैं किराए पर भी, या खुद की दुकान भी बनवा सकते हैं और यह शुरू कर सकते हैं। नंबर चार, बर्तन की दुकान। दोस्तों, बर्तन की डिमांड भी बनी रहती है, क्योंकि बर्तन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आप जिंदा हैं तो बर्तन का उपयोग करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में बर्तन की दुकान भी आप शुरू करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नंबर पाँच, चाट फुल्की सेंटर। दोस्तों, चाट फुल्की कौन पसंद नहीं करता है, गांव के लोग हो या फिर शहर के लोग। अगर आप इसे सही जगह पर शुरू करें तो आप चाट फुल्की का भी जो है धंधा कर सकते हैं, और इसके जरिए भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप किसी स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर इसे शुरू कर सकते हैं, या फिर मेन रोड में भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, चाट फुल्की का लोकेशन अच्छा होना चाहिए, बाकी यह चलेगा ही चलेगा। भीड़ भाड़ इलाका वाला जगह में अगर आप इसे शुरू करेंगे तो वहाँ चलने की संभावना ज़्यादा है। वैसे में आप इसे हाईवे पे भी शुरू कर सकते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा चलेगा। नंबर छः, किराने की दुकान। दोस्तों, किराने की दुकान भी शुरू कर सकते हैं आप गांव में, क्योंकि दोस्तों, गांव में जो है किराना की दुकान की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि किराना दुकान में ही मिलती है, और जिनका रोज़ का उपयोग किया जाता है, इनकी रोज़ की आवश्यकता है। वैसे में दोस्तों, किराना दुकान का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, किराना दुकान आजकल आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएगी, तो ऐसे में इसको थोड़ा करना रिस्की हो जाता है, और इसमें मार्जिन भी थोड़ा कम होता है बाकी चीज़ों के मुकाबले। तो ऐसे में किराना दुकान भी शुरू की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर किराना दुकान अगर आपके आसपास है तो आप इसे नहीं शुरू करें तो बेहतर है। नंबर सात, मछली और मुर्गे की दुकान। दोस्तों, मछली हो या फिर मुर्गा हो, इसे हर कोई खाना पसंद करता है, क्योंकि दोस्तों, मुर्गे मछलियों के बिना जीवन अधूरा है। मांस मछली लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप अगर मछली सेंटर या फिर चिकन सेंटर शुरू करें तो इससे भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, मछली और मुर्गे की मांग हमेशा बनी रहती है। तो अगर आप इसे भी बेचें तो इसके जरिए भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इसे कम लागत में शुरू करना चाहें तो आप इसको कम लागत में भी शुरू कर सकते हैं, और इसके जरिए काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप गाँव में कौन सा रोज़गार शुरू करेंगे? अगर दोस्तों, आपको किसी भी विषय में डिटेल से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, उसका भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।